ठीक है, ये सन 1900 के अंत तक, 19वीं सदी के अंत तक यही माना जाता था कि नेता जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिटिक्स अप्रोच और यू कैन से वन ऑफ द थ्योरी ऑफ लीडरशिप, नेतृत्वता की एक थ्योरी का अध्ययन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, 19वीं सदी के अंत तक यही माना जा रहा था कि नेता जन्म लेते हैं पर बनाए नहीं जाते। तो लेट मी क्लियर अबाउट दिस, 20वीं सदी जब प्रारंभ हुई तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के शोध अध्ययनों के प्रभाव में जन्मजात नेतृत्व प्रतिभा या प्रकृतिक गुण के सिद्धांतों से लोगों का विश्वास हटने लगा और विद्वान लोग महान व्यक्तियों के सिद्धांत द ग्रेट मैन थ्योरी का फिर से वैल्यूएशन करने में लग गए। इस पुनर्मूल्यांकन के दो प्रमुख कारण थे। फर्स्ट वन, यदि वास्तव में महान व्यक्ति या नेता जन्मजात होते हैं, मतलब कि बाय बर्थ होते हैं, और उनमें गुण प्रकृति दत्त है जो सामान्य लोगों में नहीं पाए, तो उन गुणों या विशेषताओं की अनुसंधान द्वारा पहचान की जा सकती है। और सेकंड यह है कि यदि ये विशिष्ट गुण पहचाने जा सकते हैं तो अन्य व्यक्ति भी अनुभव तथा शिक्षण द्वारा इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। यदि ये उपक्रमों के नेतृत्व के लिए गुणमूलक दृष्टिकोण, मतलब कि थ्रेट थ्योरी, ये जो थ्रेटिस अप्रोच हम पढ़ रहे हैं इसको हिंदी में गुणमूलक दृष्टिकोण कहा जाता है, तो इसके प्रारंभ होता है, जिससे यह माना जाता है कि नेतृत्व केवल जन्मजात नहीं होता है, वह सीखा भी जा सकता है, अर्थात नेता बनाए भी जा सकते हैं। तो इतने इन सब बातों से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि नेता जन्मजात भी होते हैं और बनाए भी जा सकते हैं। तो लेट मी क्लियर अबाउट दिस कि थ्रेट्स एक नेता में, अगर एक नेता को बनना है या नेता है तो उसमें क्या क्या गुण का होना जरूरी है, या फिर जो बनाने जा रहे हैं जिनको हम नेता, उनमें क्या क्या गुणों का होना मतलब उनमें दिलवाना जरूरी है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज फिजिकल कैपेसिटी, ऑब्वियसली शारीरिक क्षमता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बहुत ज्यादा कोई फिजिकल पर्सनालिटी की बात नहीं कर रही हूँ कि बहुत ज्यादा सुंदर होना चाहिए या ये या वो, उसमें ये फीचर्स होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग अबाउट दिस, आई एम सेइंग दैट फिजिकल कैपेसिटी मतलब कि कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। व्यक्ति में हर गुण है, इंटेलिजेंस है, इनोवेशन है, सब कुछ है, पर फिजिकल कैपेसिटी नहीं है, व्यक्ति थक जाता है, बीमार पड़ जाता है, तो वो नेता बहुत ज़्यादा सक्सेस की तरफ नहीं पहुंच पाता है, राइट? तो जैसे कि अभी प्रेजेंट में हमने एक वर्ड सीख लिया है, कोरोना काल में हमने एक वर्ड सीख लिया है, दैट इज इम्यूनिटी। ठीक है, तो वही कहने का मतलब ये है, हमें अपनी फिजिकल कैपेसिटी, इम्यूनिटी को बूस्टअप करना है। ओके, सेकंड वन इज इंटेलिजेंस, ऑब्वियसली बौद्धिक क्षमता हमें होनी चाहिए, ये या तो होनी चाहिए या हमें क्रिएट करनी है अपने नॉलेज को अपडेट करते हुए। ओके, देन इनिशिएटिव, पहल शक्ति हमें होना चाहिए, हर काम को सबसे पहले आगे बढ़कर काम करने की हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए। नेक्स्ट, डिसिजननेस मतलब कि निर्णय लेने की क्षमता हमें होनी चाहिए या हमें क्रिएट करनी है। आप निर्णय किन आधारों पर ले सकते हो, ऊपर पढ़िए वापस, हमें हमारे नॉलेज के आधार पर हम निर्णय ले सकते हैं। अगर हमें निर्णय लेने के लिए खड़ा किया जाता है और हमारे पास उन चीज़ों का नॉलेज ही नहीं है तो हम वहाँ निर्णय नहीं ले पाते हैं। जहाँ कॉन्फिडेंस आपको क्रिएट करना है तो आपको नॉलेज अपडेट करना पड़ेगा, नॉलेज अपडेट होगा, कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा और आप डिसीजन ले पाएंगे, राइट? देन सेल्फ कॉन्फिडेंस, बात आ गई हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास क्रिएट करना है। ओके, देन मैच्योरिटी लेवल आपको आपका बढ़ाना है, राइट? हमारे जो दिमाग में है ना, तीन स्टेजेस चलती हैं, एक
तो हम जब छोटे होते तो हम छोटेपन की स्टेज होती है, फिर टीन एज आती है, फिर ओल्ड एज आती है। आई बात समझ में? चाइल्ड एज, टीन एज एंड ओल्ड एज। तो हमें हमें एक टीन एज से टीन एज पर जब हम आ रहे हैं तो हमें अपने मैच्योरिटी लेवल को अब स्टेबल करना है, राइट। हमें हमारी सोच को आगे बढ़ाना है, एक लेवल पर लेकर के जाना है, राइट। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयरिंग कैपेसिटी, जिम्मेदारियां उठाने की क्षमता आपको बढ़ानी है, ठीक है, तभी आप एक नेतृत्वता में अपनी सफलता हासिल कर पाएंगे, ओके। देन एग्रेसिवनेस, कई नेताओं में आक्रामकता होती है, कई नेताओं के जो डिसीजंस लेने होते हैं वहां पर उन्हें आक्रामकता का होना जरूरी भी होता है स्टूडेंट्स, राइट। जब वहां वो जहां जो चीज जरूरी है वहां वो चीज होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि एग्रेसिवनेस हर जगह होना चाहिए, राइट। मतलब एग्रेसिवनेस का मतलब ये नहीं कि जहां खड़े हुए लड़ने झगड़ने खड़े हो गए, ऐसा नहीं, ऐसा नेता की बात मैं नहीं कर रही हूँ। पर हाँ, कहीं डिसीजन लेना है, ठोस डिसीजन लेना है, तो एग्रेसिवनेस का भी होना जरूरी होता है। देन इनोवेशन, इनोवेशन मतलब कि नव प्रवर्तन। हाँ, आप एक नेता बनना चाहते हैं, नेता इन द सेंस लीडरशिप क्वालिटी आप हासिल करना चाहते हैं, तो आप में इनोवेशन क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। नई नई आइडियाज क्रिएट करने की क्षमता आप में होनी चाहिए, नहीं है तो उसे डेवलप करना है, राइट। देन सोशलिबिलिटी मतलब समाज को ध्यान में रखते हुए आपको सारी चीजें करनी है, सामाजिकता को ध्यान में रखते हुए आपको सारी चीजें करनी, बिकॉज यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी ओनली, ओके, एंड यू आर वर्किंग ओनली फॉर अ सोसाइटी, ओके स्टूडेंट्स। देन कोऑपरेटिवनेस मतलब कि लोगों का साथ देकर के आगे बढ़ने की आप में क्वालिटी होनी चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर, या ऑब्वियसली सेंस ऑफ ह्यूमर का होना बहुत जरूरी है। कहाँ, कैसे, किस बात को रखना है, किस बात से लोगों को प्रभावित करना है, ये चीज, ये हुनर आप में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी, ऑब्वियसली पॉपुलैरिटी होना जरूरी है। अगर आप नेतृत्वता में आगे बढ़ रहे हैं, जब तक लोग आपको पहचानेंगे नहीं, आपको फॉलोअप कैसे देंगे, तो आपके अंदर जो है पॉपुलैरिटी का होना जरूरी है। सो इन दिस वे वी हैव लर्न्ड द थ्रेटिस अप्रोच थ्योरी ऑफ लीडरशिप, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।